से देवास की ओर जा रही एक यात्री बस नेवरी फाटा मार्ग पर नराना गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार एक दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर 2 108 एम्बुलेंस और टोल टैक्स एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार एकता ट्रेवल्स की बस बागले से देवास जा रही थी, तभी नेवरी फाटा मार्ग पर अनारा गांव के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें बस में बैठे एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर सोनगंज 108 एम्बुलेंस के ईएमटी नवीन महेश्वरी और पायलट रोहित पटेल मौके पर पहुंचे, वहीं टोल टैक्स की एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आज मैं देवास से भोरा सा ड्यूटी जा रहा था, जब ये रास्ते पे फोन पर बात हुई कि बस पलटी खा गई है, घायल अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो मैं सीधे अस्पताल आया, जहां पर 12 लोग हेल्प जिनका मेडिकल चल रहा है। और बस जो है एकता बस है जो बागली से देवास चलती है। घटना करीब 10:30 बजे की है, नारायण और बुधन गांव के बीच मोड़ पर पलटी खाई है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।